अस्सलाम वालेकुम। सुपर डेली न्यूज में आपको खुश आमदीद कहा जाता है। आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर वो चीज जो दुनिया की तरक्की के लिए बेहतर है वो आती जा रही है। अब पाकिस्तान में पहली बार हर घर में फर्श में लगने वाली ऐसी टाइल आ चुकी है जिस पर ना कोई मक्खी बैठ सकती है और ना ही कोई मच्छर और ना ही कोई कीड़ा मकोड़ा बैठ सकता है। अगर गलती से बैठ भी जाए तो वो फौरी तौर पर हलाक हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, वो फौरी तौर पर मर जाएगा। जी हाँ, ये किस वजह से होगा, इसकी क्या वजूहात है, इसमें ऐसा क्या डिटेक्शन सिस्टम है जिसकी वजह से वो मर जाएगा, आम टाइलों में ऐसा क्यों नहीं होता, इसमें ऐसा क्यों नहीं है, तो आपके जहन में ये सवाल मौजूद होगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि डिजाइन मुख्तलिफ टाइलों के एक ही जैसे होते हैं, इसके भी डिजाइन आम टाइलों से मिलते जुलते हैं, लेकिन यहां पर बात की जाती है इसके डिटेक्टिंग प्रॉब्लम की वजह से क्यों मरते हैं कीड़े मकोड़े, सिराड जमीनी वाइब्रेट की वजह से। जी हाँ, सिराड जमीनी वाइब्रेट, जिस तरह के आप जानते हैं, इंटरनेट पर सर्च कीजिए इसके बारे में, मजीद अगर आप जानना चाहते हैं तो इसकी मजीद इंफॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके बारे में सर्च कीजिए, आपके पास तमाम तर इसकी वेरिफिकेशन, तमाम तर इसकी डिटेल्स प्लस स्पेसिफिकेशन वगैरह मौजूद होगी इसकी टाइल्स के हवाले से। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी इंग्लिश में जो है डिस्क्रिप्शन में मालूमात भी दे देता हूँ, वो जस्ट रीड कर लीजिएगा। अगर आप रीड करना जानते हैं, इंग्लिश में आपको समझ में आती है तो आप रीड कर लीजिएगा। बहुत सारे लोगों के जहन में क्वेश्चन होगा कि ये किस तरह से डिटेक्ट होता है, इसमें ऐसी क्या वाइब्रेटिंग सिस्टम है जिसे आप कहा जाता है सिराड जमीनी वाइब्रेट, इसमें सिस्टम मौजूद है। अगर कोई हल्की चीज इस पर चलती है जिसकी जान हल्की होती है, मिसाल के तौर पर जिस तरह की मैं आपको बता चुका हूँ, कीड़ा हो गया, मकोड़ा हो गया, इस तरह की हल्की चीज जिसकी जान बहुत कम होती है, हल्की जान वाली चीज थोड़ी सी वाइब्रेट पर वो जो है हलाक हो जाते हैं, फौरी तौर पर मर जाते हैं। अगर कोई चिड़िया आकर बैठ जाती है उस पर, वाइब्रेट होगी लेकिन वो उड़ जाएगी, उस पर कोई असरअंदाज जो है जान के हवाले से कुछ नहीं होगा उसे, क्योंकि वो हैवी चीज़ है, बड़ी चीज़ है, लेकिन पाँव में वाइब्रेट होगी, वो बैठ नहीं सकेगी, उसको महसूस हो जाएगा हल्का सा, वो उड़ जाएगी। कोई भी परिंदा अगर बैठता है तो वो उड़ जाएगा फौरी तौर पर। अगर आप महसूस करना चाहते हैं तो आपको महसूस नहीं होगा। एक तरीके से आपको महसूस हो सकता है, वो तरीकाकार क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप जमीन पर नंगे पाँव हैं तो फिर आपको महसूस हो जाएगा। अगर आपने कोई भी प्लास्टिक की चप्पल पहनी हुई है या फिर कोई मिसाल के तौर पर आपने बूट पहने हुए हैं या फिर कोई हवाई चप्पल पहनी हुई है, किसी हवाले से भी आपने कोई चप्पल पहनी हुई है, तो आपको डिटेक्टिंग जो जमीनी वाइब्रेट है वो महसूस नहीं होगी। इसमें मकनातीसी जो वाइब्रेटिंग सिस्टम मौजूद होता है वो भी इसमें शामिल किया गया है थोड़ी बहुत क्वांटिटी पर, जिसकी वजह से ये कीड़े मकोड़े हलाक हो जाते हैं। इसकी डिजाइन के हवाले से बात की जाए तो इसके हजारों डिजाइन है। जी हाँ, स्टाइल्स के हजारों डिजाइन है। अगर आप साइड की दीवारों पर भी लगाना चाहते हैं, वॉशरूम में लगाना चाहते हैं तो आप इसे लगा सकते हैं। अगर आप जमीन पर भी लगवाना चाहते हैं तो जमीन के हवाले से भी डिजाइन मौजूद हैं, वहां पर भी लगा सकते हैं। अगर आप कहीं भी लगाना चाहते हैं, घर के बाहर लगाना चाहते हैं, घर के सहन में लगाना चाहते हैं, तो बहुत सारे डिजाइन मैंने आपको बता रखे हैं। ये बिल्कुल आम टाइलों से हवाले से जो है मिलते जुलते हैं, सेम टू सेम है, लेकिन इसमें जो आला क्वालिटी है वो मैंने आपको बता दी है। इसमें खासियत क्या है वो मैंने आपको बता दी है। ये कीड़ा मकोड़ा कोई इस पर नहीं बैठ सकता। अगर कोई गलती से भी आप उसे पकड़कर फेंक भी देते हैं तो वो फौरी तौर पर मर जाएगा। अब रहा सवाल के कुछ दोस्तों के जहन में होगा कि लाल बेग कॉकरोच जिसे कहा जाता है, क्या वो मर सकता है? जी हाँ, वो भी मर सकता है। उसका भी वजन हल्का होता है, उसकी जान कम होती है, लेकिन वो मरते मरते जो है काफी टाइम लगाएगा। अगर वो फर्ज कीजिए कि टाइल पर मौजूद है, तकरीबन मैं आपको 15 मिनट से 20 मिनट तक अगर वो टाइल पर मौजूद रहता है तो वो मर जाएगा। अगर वो टाइल पर मौजूद है 5 मिनट और चलकर टाइल से निकल जाता है, दूसरे कमरे में चला जाता है जहां पर टाइल मौजूद नहीं है, तो वो फिर बच सकता है। लेकिन कीड़े मकोड़े से अगर बात की जाए तो वो फौरी तौर पर, वक्ती तौर पर जो है वहीं पर हलाक हो जाएंगे। उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, जैसे ही आप फेंकते हैं ट्रायल के लिए तो वहीं पर कीड़ा जो है मर जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इस हवाले से इन्फॉर्मेशन आज के हवाले से बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। अगर आप ये टाइल लगवाने के ख्वाहिशमंद हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, प्रेस कीजिएगा। तमाम पाकिस्तान में जितनी भी इसकी ब्रांचेज मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर आप जाकर खुद खरीद सकते हैं, टाइल्स डिज़ाइन देख सकते हैं। तो दरअसल
बहुत सारे कराची में मार्केट जिस तरह के आप जानते हैं कि टाइलों के हवाले से, वहां पर भी ये आपको मिल जाएगी। इसका नाम आप लीजिएगा सिराट जमीनी वाइब्रेट, जी हाँ सिराट जमीनी वाइब्रेट टाइल्स का नाम लीजिएगा, आपको मिल जाएगी आसानी से। यही आप अगर इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो आपको और भी बहुत सारी टाइल्स के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, डिजाइन मुख्तलिफ डिजाइन मिलेंगे। अगली वीडियो के लिए अगेन इजाजत चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी हौसला अफजाई के लिए अल्लाह हाफिज़।